नमस्कार गुरुग्राम स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तहसीन फातिमा। चलिए स्पेशल प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के विधानसभा क्षेत्र मैदावास में नगर निगम की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां पर सड़क नाले में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और घर से निकलने वाले पानी की निकासी न होने की वजह से दूषित पानी एकत्रित रहते हैं। गंदगी फैलने की वजह से लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये बदहाल तस्वीर हम आपको साइबर सिटी के गांव मैदावास की दिखा रहे हैं। हजारों की आबादी वाले इस गांव की हालत देखते ही आपको हैरत जरूर होगी, क्योंकि इस गांव की जिम्मेदारी उन कैबिनेट मंत्री की है जो जगह जगह विकास के नाम पर अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं। दरअसल ये गांव हरियाणा के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का है, जो कि इनका विधानसभा क्षेत्र है, जहां मंत्री जी जाना भी पसंद नहीं करते। इतना ही नहीं, ये गांव सोहाना विधानसभा से बीजेपी विधायक तेजपाल तंवर का पड़ोसी गांव भी है। बावजूद इसके इस गांव के लोग गंदे पानी और गंदगी के अंबार में रहने को मजबूर है। गांव की दशा इतनी बिगड़ी है कि यदि बारिश के दौरान सड़क गली में पानी भर जाए तो पानी के निकलने का रास्ता भी नहीं है और निकासी न होने की वजह से रोजाना घरों का गंदा पानी सड़कों पर गलियों में आकर जमा हो जाता है। ग्रामीण का आरोप है कि इस गंदे पानी की वजह से आए दिन लोग बीमार पड़ते हैं, खासकर छात्रों को इस गंदे पानी के बीच से होकर स्कूल जाना पड़ता है। गंदगी की गाथा गा रहे इस गांव की कहानी भी अजीब है। ये गांव चारों तरफ से साइबर सिटी से घिरा हुआ है, लेकिन इस गांव में सुविधाओं के नाम पर हालात बद से बदतर है। इस बाबत जब हमने जिला परिषद के अधिकारियों से बातचीत की तो उनका वही रटा रटाया बयान सामने आया। जिला परिषद के सीईओ का कहना है कि हम इस समस्या को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं मैदावास गांव के सरपंच भी अपने गांव की समस्या से परेशान हैं। गांव के सरपंच का कहना है कि सरकार द्वारा फंड की कमी होने के कारण गांव का विकास अधिकारियों पर रह गया है, इसलिए अधिकारियों के पास भटकना पड़ता है। मैदावास गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन हालात अब भी वही है। ऐसे में बारिश का मौसम शुरू होने वाला है और समय रहते प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो वो दिन दूर नहीं जब गंदे पानी की वजह से कई भयानक बीमारियां इस गांव को अपने चपेट में ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र खबर। उधर बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 का कम्युनिटी सेंटर बदहाल हो गया है। दरवाजे टूटे हुए हैं, खिड़कियों के कांच भी टूट चुके हैं, बाथरूम की फिटिंग टूट चुकी है तो यहां तक कि कमरों में लगे पंखे भी खराब हो चुके हैं। बदहाल कम्युनिटी सेंटर शराबियों का अड्डा बन चुका है। दरअसल इस सेंटर की हालत नगर परिषद की देखरेख में आने के बाद हुई है। लोगों ने कई बार सुधार के लिए मांग पत्र दिए, लेकिन कोई हालात नहीं सुधरे और हालात जस की तस ही रहे। ये बदहाल हश किसी सार्वजनिक शौचालय का नहीं है, ये बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 का कम्युनिटी सेंटर। यहाँ के हालात पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन जब से नगर परिषद के अंडर में आया तो यहाँ के हालात बदतर होते चले गए। दीवारों को देखिए, प्लास्टर उतर चुका है, दरवाजे और खिड़कियाँ टूट चुकी, खिड़कियों पर लगा कांच भी टूट चुका है। बाथरूम का हाल तो सबसे बुरा है, फिटिंग गायब हो गई है और कूड़ा घर बना दिया गया है। कम्युनिटी सेंटर लोगों ने कई बार शिकायतें की, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यार अभी करवाने लग रहे हैं और बाहर का जो लोन वगैरह है सेक्टर 2 कम्युनिटी सेंटर का, वो भी मतलब की एस्टीमेट के अंदर डलवा के कंप्लीट करा दें जल्दी, इसको ठीक करा दें। के अंडर बता जब कुछ हालत तक इसकी ठीक थी, अब इसके बार बार शिकायत करने पर इसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सेक्टर 2 की बेशकीमती जमीन पर बने करोड़ों रुपए के कम्युनिटी सेंटर के भवन का उद्घाटन साल 2014 में कांग्रेस विधायक राजेंद्र जैन ने किया था। उस वक्त इसका कंट्रोल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास था। साल भर पहले इसका कंट्रोल सरकार ने नगर परिषद को दे दिया।
के बाद से यहां कोई चौकीदार तक नहीं है। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अपूर्व चौधरी का कहना है कि जल्द एस्टीमेट बनवा कर कम्युनिटी सेंटर का सुधार करवाया जाएगा। कम्युनिटी सेंटर के हालात सुधारने के लिए रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने विधायक से लेकर प्रशासन के आला अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन देखना अब ये होगा कि कब नगर परिषद जागेगा, कब जाकर कम्युनिटी सेंटर वास्तव में कम्युनिटी सेंटर बन पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र खबर। उधर गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर विनोद शर्मा की खुदकुशी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डीलर ने अपने ही दफ्तर में खुद को गोली मार ली है। देखिए हमारी एक रिपोर्ट। गुरुग्राम के डीएलएफ इलाके में प्रॉपर्टी डीलर विनोद शर्मा की आत्महत्या का मामला सामने आया है। प्रॉपर्टी डीलर ने अपने ही ऑफिस में बैठकर खुद को गोली मार ली। उनके ऑफिस से एक सुसाइड नोट भी मिला था। सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने दिल्ली के बिजनेसमैन के खिलाफ आत्महत्या का दबाव बनाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस पूरे मामले में मृतक प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी मीनू शर्मा ने गुरुग्राम पुलिस के एक डीसीपी पर साजिश के तहत अपने पति की हत्या कराने का आरोप लगाया है। डीलर के परिजन पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर भारी मात्रा में लोगों ने पुलिस दफ्तर तक मार्च करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं परिजनों ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए डीसीपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि बाद में पुलिस आयुक्त ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। हालांकि निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिलने के बाद भी परिजन संतुष्ट नहीं हुए। मर्डर को सुसाइड में बदल दिया गया और ये मर्डर महेंद्र सेठी द्वारा किया गया है। डीसीपी महेंद्र सेठी और उसका भाई, उसका पूरा परिवार, उसको अरेस्ट करो महेंद्र सेठी को, अरेस्ट करो महेंद्र सेठी, मुर्दाबाद। हमें अब सीबीआई जांच चाहिए, मुझे इसके लिए सीबीआई जांच चाहिए, हमें न्याय चाहिए। वो दो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक थे, वो कंपनी के मालिक थे, न्याय चाहिए। वो गोली नहीं मार सकते, वो खुद को गोली नहीं मार सकते, वो सुसाइड नहीं कर सकते, वो सुसाइड नहीं कर सकते। बता दें कि प्रॉपर्टी डीलर ने 4 जून को आत्महत्या कर लिया था, जिसके एक महीने बाद अब डीलर की पत्नी ने अपने पति की हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है। एक तरफ सुसाइड नोट और दूसरी तरफ मृतक की पत्नी का डीसीपी को दोषी ठहराना पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल है। बहरहाल अब यह देखना होगा कि आखिर कब तक सीबीआई इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र खबर। इस स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे गुरुग्राम की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।